हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पिरेशनल शीरोज़ क्या आप जानते हैं कि इंडिया में नाइन्टीन सेंचुरी में एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जहां पे 107 इयर्स ईयर्स के लिए फोर फीमेल्स ने सक्सेसफुली रूल किया और इन 107 इयर्स ईयर्स को गोल्डन रेन ऑफ भोपाल भी कहा जाता है ये उस टाइम की बात है जब इंडिया में मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी पर्दा सिस्टम था और ऐसे कई नॉर्म्स थे जो वुमेन की आइडेंटिटी को अप्रेस करते थे इन फोर फीमेल स्टूलर्स ने इन सारे सोशल नॉर्म्स का अपोज किया और साथ ही कई प्रोग्रेसिव सोशल नॉर्म्स भी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाया सो गाइज लेट मी टेक यू ऑल टू द रेन ऑफ ऑल दीज फेयरलेस बेगम्स द बेगम्स ऑफ भोपाल भोपाल शहर का नाम पहले भोजपाल था जो कि राजा भोज के नाम पर रखा गया था लेकिन कुछ पड़ोसी शासकों ने भोजपाल पर अटैक करके सारी पावर्स अपने हाथों में ले ली थी 1707 में दोस्त मोहम्मद नामक अफगान सोल्जर ने भोपाल शहर की स्थापना की 1707 से 1819 तक भोपाल शहर पर कई नवाबों में रूल किया और ये माना जाता है कि 18 से 19 से पहले भोपाल को महज एक छोटे से शहर की तरह माना जाता था लेकिन भोपाल का कल्चर आर्ट पब्लिक वर्क अपनी ऊंचाई पर तब पहुंचा जब वहां बेगम्स ने रूल करना स्टार्ट किया कुत्सिया बेगम भोपाल की सबसे पहली महिला शासक थी 18 साल की उम्र में कुत्सिया बेगम के पति की मृत्यु जंग में लड़ते समय हो गई और हर जगह लोग यह सोचने लगे कि आखिर अगला शासक कौन बनेगा तब कुत्सिया बेगम ने खुद डिसाइड किया कि वह भोपाल शहर पर रूल करेंगी जब तक कि उनकी बेटी सिकंदर बड़ी ना हो जाए अनपढ़ होने के बावजूद उनमें इतना साहस और राजनीति की समझ थी कि वह जानती थी कि कोई उनका सपोर्ट नहीं करेगा इसलिए उन्होंने ऐसे कई क्लेवर स्टेप्स लिए जिससे उनकी पोजीशन एज अ रूलर सिक्योर हो सके उन्होंने अपने राइवल्स के साथ पावर के लिए डील किया ब्रिटिशर्स से मिलकर अपने स्टेटस को लीगलाइज करवाया और रिलीजियस अथॉरिटी से भी सपोर्ट लिया ताकि लोगों के मन से यह भावना निकल जाए कि एक मुस्लिम वूमेन रूलर रूल नहीं कर सकती। कुत्सिया बेगम ने 1819 से, से 1837 तक सक्सेसफुली रूल किया उन्होंने जामा मस्जिद और भोपाल और गौहर महल जैसी इमारतों का भी निर्माण करवाया कुत्सिया बेगम ने अपनी बेटी सिकंदर बेगम को बचपन से ही एक रूलर बनने की शिक्षा देना आरंभ किया 1844 में सिकंदर बेगम भोपाल की शासक बनी सिकंदर बेगम बचपन से ही मार्शल आर्ट्स में ट्रेन थी वो पोलो खेलती थी हंटिंग पर जाती थी उन्हें तलवार चलाना भाला चलाना और तीर चलाना भी आता था वो बैटल्स लीड करती थी और खुद गांव जाकर लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों का हल निकालती थी और वो टाइम टू टाइम सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कोर्ट्स ट्रेजरी एरियाज़ का खुद इंस्पेक्शन भी करती थी सिकंदर बेगम हिस्ट्री की अच्छे शासकों में से एक मानी जाती हैं उन्होंने गर्ल्स के लिए भोपाल में विक्टोरिया स्कूल भी ओपन करवाया था सिकंदर बेगम की मृत्यु के बाद उनकी बेटी शाहजहाँ बेगम भोपाल की शासक बनी शाहजहाँ बेगम एक पोएट्रेस बनना चाहती थी उनके शासनकाल में भोपाल एक सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र के रूप में जाना गया शाहजहाँ बेगम एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर भी थी उन्होंने हाउसिंग एजुकेशन हेल्थ सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड टैक्स सिस्टम को भी इम्प्रूव किया उन्होंने कई पैलेसेस, मॉस्क और मॉन्यूमेंट्स का भी निर्माण करवाया 1901 से 1926 तक शाहजहाँ बेगम की बेटी सुल्तान जहाँ बेगम ने भोपाल पे रूल किया सुल्तान जहाँ बेगम एक रिफॉर्मर थी उन्होंने कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करवाए और उनका मेन फोकस इक्वालिटी एंड फीमेल एजुकेशन का था एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने टैक्सीशन पुलिस आर्मी जुडिशरी एग्रीकल्चर हेल्थ एक्सेट्रा के लॉज को भी चेंज करवाया 1914 में ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी बनी एंड शी इज़ द फाउंडिंग एंड टिल टुडे द ओनली फीमेल चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने 25 साल सक्सेसफुली भोपाल पर रूल किया और बेगम्स ऑफ भोपाल का शासनकाल उन्नीस सौ सत्ताईस में अंत हुआ जब सुल्तान जहाँ बेगम के बेटे हमीदुल्ला खान भोपाल के शासक बने दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दी पेयरलेस बेनोवलेंट टैलेंटेड एंड वाइज बेगम्स एंड दिस बेगम्स व नो लेस दैन एनी मैन आई होप द स्टोरी ऑफ दिज अमेजिंग वुमेन वुड हैव इंस्पायर्ड यू ऑल एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डोंट वर्गेट टू लाइक शेड सब्सक्राइब थैंक यू